श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जब आप रेलवे का टिकट बुक कर रहे हो तो फॉर्म को पूरी तरह से पढ़ें, क्योंकि फॉर्म के नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ लिखी हुई होती हैं जिनको आप टिक नहीं मारते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स आपको होता है। रेलवे रिजर्वेशन के एक छोटे से नियम से कई बार यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी तरह का एक नियम रेलवे ने हाल में शुरू किया है, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो चुका है। इस प्रणाली में यदि एसी कोच में सीटें खाली हैं तो क्रमानुसार स्लीपर कोच के यात्री के कंफर्म टिकट पर इसमें बिना कोई अतिरिक्त चार्ज लिए अपग्रेड कर दिया जाता है। रेलवे का कहना है कि आरक्षण फॉर्म भरते वक्त यात्रियों से इस सुविधा का उपयोग करना है या नहीं ये पूछा जाता है, बिना सहमति के अपग्रेडेशन नहीं होता है। जागरूकता के अभाव में यात्री पूरा फॉर्म नहीं पढ़ पाते हैं और उनकी यह चूक कई बार भारी पड़ जाती है। इस रेलवे रिजर्वेशन अपग्रेडेशन के कारण यात्रा के दौरान कई परिवार इस परेशानी का सामना कर चुके हैं और यात्रियों के एक ही क्रम में कन्फर्म टिकट होने के बाद भी पति पत्नी और बच्चे अलग अलग कोच में बैठकर सफ़र करते हैं। अभी लोगों को इससे परेशानी होती है। रेलवे आरक्षण के अधिकारी के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अपग्रेडेशन प्रणाली शुरू की है और वो कहते हैं कि भाई हमने तो अपने स्तर पर यात्रियों से पूछ लेते हैं कि उसे यह सुविधा चाहिए या नहीं। समस्याएं आने के बाद उन्होंने फिर कार्यालय में निर्देश दे दिए हैं कि वो यात्री से पूछ लें और उसका मोबाइल नंबर जरूर फॉर्म पे लिखवा लें। रेलवे ने अपने सेकंड क्लास में सफ़र करने वाले यात्री को एसी में सफ़र कराने की इच्छा से ये ऑटो अपग्रेडेशन योजना शुरू की थी। यदि सीट खाली जा रही है तो रेगुलर यात्री उसी पैसे में एसी का यात्रा कर सकें। हालांकि ये स्थिति सामान्य सीजन में लाभकारी होते हैं जब यात्रियों की भीड़ ट्रेन में कम होती है। अभी इसके लिए आपको करना ये होगा, ऐसी परेशानियों से बचने के लिए या सुविधा उठाने के लिए रिजर्वेशन फॉर्म पूरी तरह पढ़े और खुद उसे भरें। फॉर्म पर ऊपर से तीसरे नंबर पर रेलवे ने बोल्ड अक्षर में टिकट अपग्रेड सुविधा के बारे में लिखा है, उसे ज़रूर पढ़ें। यदि आप टिकटों का अपग्रेड चाहते हैं तो बॉक्स में हाँ लिखें, यदि आप अपग्रेड सुविधा नहीं चाहते हैं तो बॉक्स में नहीं ज़रूर लिखें। यदि आपने इस बॉक्स को खाली छोड़ दिया है तो यह स्वतः ही हाँ माना जाएगा। इसलिए सुविधा नहीं चाहिए तो नहीं ज़रूर लिखें। अपग्रेड सुविधा चाहते हैं तो फॉर्म पर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर लिखें, इस पर SMS से आपको रेलवे सूचना दे देगा। यदि SMS नहीं भी आया तो आप चार्ट में एक बार चेक कर लिया कीजिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।